कृषि कानूनों के खिलाफ नई रणनीति, अब दक्षिण भारतीय किसान भी लामबंद, देशव्यापी होगा आंदोलन का स्वरूप। नवरात्रि में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजन के बाद कन्याओं को अपने हाथों से खिलाएंगे खाना। चंदौली जिले में 30 धान खरीद केंद्रों को मिली मंजूरी, 18 दिन बाद शुरू हो जाएगी धान खरीद। सोर घोटाले के आरोपी की शिकायत पर केरल के 86 वर्षीय पूर्व मंत्री कर रहे जांच का सामना। बिजली के हाहाकार और कोयले की कमी का जिम्मेदार कौन? फरवरी में ही पावर प्लांट्स और राज्यों को आगाह कर रहा था केंद्र। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की खास अपील, बोले आंदोलन छोड़ें बिजली देकर त्योहार मनवाएं अभियंता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई भाजपा की बार रूम मीटिंग, अमित शाह ने किया गहन मंथन। दीपावली से पहले कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची, युवाओं और महिलाओं पर फोकस। यूपी में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू, आबकारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित। गोरखपुर से दिल्ली के बीच चलेगी एक जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन, 16 और ट्रेनों को भी हरी झंडी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।